जय हो। उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु महावीर की अंतिम देशना के नाम से विश्रुत आगम है। इसे प्रभु महावीर की अंतिम वाणी या अंतिम देशना इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्तिक कृष्णा अमावस्या की रात्रि को प्रभु महावीर का जब निर्वाण हुआ तो उससे कुछ समय पूर्व से ही प्रभु महावीर निरंतर देशना दे रहे थे और कहते हैं कि उस समय में प्रभु महावीर की जो ज्ञानमयी देशना चल रही थी उसी वाणी को उसी ज्ञान को संकलित जब किया गया बाद में तो उसी को उत्तराध्ययन सूत्र का नाम दिया गया। तो यह जो उत्तराध्ययन सूत्र नाम है यह नाम ही अपने भीतर अपने अर्थ को समेटे हुए है और ये जो नाम दिए गए हैं ये भी अपने आप में एक सिंबॉलिक मीनिंग रखते हैं, यानी इनके जो अर्थ होते हैं वो बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं और इनके प्रतीकात्मक शब्दों में इनको अर्थ और नाम के अंदर ही उनका पूरा भाव समाहित कर दिया जाता है। तो हम देखें उत्तराध्ययन सूत्र क्या कहता है। उत्तर अध्ययन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, उत्तर और अध्ययन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो उत्तर, उत्तर का मतलब होता है जो प्रश्न नहीं है, जहां पर प्रश्न समाधान पाता है उसे उत्तर कहते हैं। तो यह जो उत्तर का अध्ययन कराने वाला आगम है इसे उत्तर अध्ययन कहा गया है। और हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हम सभी लोगों के मन में निरंतर कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। जब भी हमारे सामने जिंदगी में कोई भी चैलेंज आता है या कोई भी ऐसी समस्या या परेशानी आती है तब भी हमारे मन में प्रश्न जगते हैं। जैसे लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, अपने घर परिवार से लेकर अपने बिजनेस व्यापार को लेकर, अपने संतान को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के, या कई साधकों के मन में भी प्रश्न होते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, इस पूरे प्रकृति के बारे में। तो इस तरह से प्रश्नों का कोई और छोर नहीं है। कितने तरह के प्रश्न कितने सारे लोगों के मनों के भीतर चलते रहते हैं। तो प्रश्न कई सारे हैं लेकिन उन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर का जो अध्ययन कराए वह है उत्तराध्ययन सूत्र। हम सभी लोग जो भी जिसके भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी प्रश्नों के मूल में गहराई में एक बात होती है, वो यह कि वह आदमी जहां पर है वहां पर अपने आप को अधूरा पा रहा है। वह आदमी अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा होता है और उसी अधूरेपन और अतृप्ति के कारण से उसके भीतर से प्रश्न पैदा होते हैं। हाँ, अब वो अतृप्ति और अधूरापन बहुत सारी चीजों के बीच में होकर के निकलता है, कई प्रकार से कई सारी बातों में अभिव्यक्त होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये पक्का है कि प्रश्न उसी भूमिका से पैदा होते हैं जहां पर इंसान जो जिस स्थिति में है वहां वो अपने आप को अधूरापन महसूस कर रहा है, कुछ खालीपन उसके भीतर है। ये जो एम्प्टीनेस की फीलिंग है यही हमारे भीतर प्रश्नों के उत्पन्न होने का मूल कारण होती है। और बाकी कहते हैं कि प्रश्न एक ही प्रकार के लोगों के मन में उत्पन्न नहीं होते। किनके? जिनके भीतर ये अधूरेपन की कोई अनुभूति नहीं है, जो पूर्णता को महसूस कर रहे हैं अपने आप के भीतर, यानी जो स्वयं में पूर्ण हो गए हैं, बस उन्हें कोई प्रश्न नहीं जगते, क्योंकि वो जो प्रश्न उत्पन्न करने का जो मूल कारण है वो मूल कारण ही फिर वहां नहीं बचता। अधूरापन, खालीपन, एम्प्टीनेस, अतृप्ति, वो सब पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए सिर्फ पूर्णता को अनुभव किए व्यक्तियों के भीतर प्रश्न नहीं होते, बाकी आपके और हमारे, हम सभी के मन में भले ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे लेकिन प्रश्न अवश्य पैदा होंगे। लेकिन प्रश्नों के जो मूल कारण है, जो अधूरापन है, उसके प्रति हमारी कोई भी सजगता नहीं है, यानी हमें ये भान ही नहीं कि हमारे प्रश्न उत्पन्न क्यों हो रहे हैं।
कहने का मतलब कि हमें से बहुत सारे लोग प्रश्नों को भी प्रश्नों की तरह नहीं ले रहे हैं। हम सारे ही लोग बस एक इंतजार में जी रहे हैं कि बस कोई दिन आएगा जब मेरे सब घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मेरे पास में अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, घर का मकान बन जाएगा, बच्चे पोते सब सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से कई तरह की आकांक्षाओं में खोया हुआ हम सबका मन है और वो ये नहीं देख पा रहा कि ये जो मेरे अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं इनका मूल क्या है, इच्छाएं हैं। अब ये इच्छाएं क्यों हैं, इच्छाओं का कारण क्या है कि वो अधूरापन है, वो मेरे भीतर एक अतृप्ति की महसूसी है, मेरे अंदर एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग है। इतनी गहराई तक हम में से अधिकांश लोग नहीं जाते हैं, तो इस वजह से हम सजग ही नहीं है, हम तो बस इंतजार में और चाहतों में ही खोए हुए रहते हैं। किसी दिन मेरी किस्मत मेरा साथ देगी, मेरे साथ अच्छा होगा, मैं सफलता के शिखर तक पहुंच जाऊंगा, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इसके लिए देखो ट्राई तो कर रहा हूं, अचीव हो जाएगा। इस तरह की कई सारी आकांक्षाओं और हसरतों में ही हम खोए हुए लोग हैं। हम जैसे ही लोगों के लिए किसी शायर ने कहा, मांग कर लाए थे जिंदगी के चार दिन, मांग कर लाए थे जिंदगी के चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। हमारी ये जो जिंदगी है इसके चार दिन हैं और उनमें से आधी जिंदगी तो आरजू में कट जाती है, यानी तमन्नाओं में, हसरतों में। आकांक्षाएं ही तो है हमारे मन की, डिजायर्स, जो कभी पूरी ही नहीं होती। और फिर बाकी की जिंदगी उन आकांक्षाओं के पूरी होने की आशा में कट जाती है, दो आरजू में और दो इंतजार में। तो हम बस इंतजार कर रहे हैं, होगा ये होगा, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप देखो बहुत सारे लोगों की बातें लगभग इसी से मिलती जुलती आपको मिलेगी कि हाँ हमें ये चाहिए, चाहते आरजू और बाकी का आशा, उम्मीद तो है हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने इन प्रश्नों का जो मूल कारण है, जो इन प्रश्नों का उत्पत्ति स्थान है, उद्गम स्रोत है, ओरिजिन है, जो उत्स है, उससे हम लोग अपरिचित है। और ये अतृप्ति क्यों है, ये अधूरापन क्यों है, ये भी हम नहीं जानते कि चूंकि हम स्वयं से अनजान हैं, हम अपने आप के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, इसी वजह से हमारा ये अधूरापन चल रहा है, हमारी ये अतृप्ति की महसूसी निरंतर हमारे भीतर हो रही है। हर व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं अधूरा पा रहा है और इसी वजह से इन सब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इन सब के द्वारा अपने आप को भरने की कोशिश में लगा हुआ है। तो स्वयं को न जानने का जो अज्ञान है, यह जो हमारी अनभिज्ञता है, अज्ञानता है, बस यही हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का बेसिक कारण है, मूल कारण है। तो अपनी इस अपूर्णता का ज्ञान कराना और उसके पश्चात अपनी इस अतृप्ति और अधूरेपन को दूर करके स्वयं के वास्तविक स्वरूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करके पूर्णता की अनुभूति तक पहुंचाना, कंप्लीटनेस की फीलिंग तक ले जाना, यह है उत्तराध्ययन सूत्र का ज्ञान। इसमें यह सारा ज्ञान निहित है, इसीलिए हमने कहा कि उत्तराध्ययन सूत्र हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप में समेटे हुए है। तो इस प्रकार से यह उत्तराध्ययन सूत्र जो कि हमें अपने मूल तक ले जाता है, जो वास्तविक कारण है प्रश्नों का, जीवन के सभी ये जो हमारे पत्ते फल फूल वाली जो समस्याएं दिख रही है, इन सभी समस्याओं का जो ओरिजिन है वहां तक हमें ले जाएगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कराएगा, तो सभी प्रकार के प्रश्नों का जड़ से ही समाधान हो जाएगा। इसीलिए हम देखें 32 आगमों में उत्तराध्ययन सूत्र को चार मूल सूत्रों में स्थान दिया गया है। क्यों उत्तराध्ययन सूत्र को मूल सूत्र कहा गया? इसीलिए क्योंकि मूल है, यह मूल है, यह बेसिक है, यह फाउंडेशन है, यह जड़ है, तो इसके भीतर ही सारा मूल तत्व का ज्ञान समाया हुआ है, इसीलिए इसे मूल सूत्र कहा गया। और जब मूल का ज्ञान कर लिया जाता है, मूल तत्व का समाधान हो जाता है, तो बाकी की जो शाखाएं हैं, पात है, फल है, फूल है, उन सब का तो खुद ब खुद समाधान हो ही जाएगा। इसीलिए उत्तराध्ययन सूत्र जानना मूल है, जरूरी है, हम सबको जानना आवश्यक है, हम सब के भीतर यह उत्तर का अध्ययन प्रकटे ऐसी हम सब की भावना रहती है। क्योंकि इसी समय में कार्तिक कृष्णा अमावस्या, जिसे हम दीपोत्सव का पर्व कहते हैं, दीपावली पर्व कहते हैं, वो भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है। और चूंकि उस समय में
निरंतर पिछले 36 प्रहर से कहते हैं भगवान की देशना उत्तर अध्ययन की ही चल रही थी, वो उत्तर का ज्ञान ही करा रहे थे। तो इसीलिए परंपरा के अनुसार हम भी इसी उत्तराध्ययन सूत्र का ज्ञान पाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, कहते हैं कि इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों योगों का समाधान हो जाता है। और भी राजयोग, सहज योग जैसे योगों के बीज भी इसी भगवत गीता में निहित है, विद्यमान है, बीज रूप में है। ठीक उसी प्रकार से उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी हमारे यहाँ चार अनुयोग कहे जाते हैं। तो चारों अनुयोगों को अगर एक ही सूत्र में अगर ज्ञान पाना है उनका, तो वह है उत्तराध्ययन सूत्र। क्योंकि इस उत्तराध्ययन में द्रव्यानि योग का भी ज्ञान मिलता है, गणितानि योग का भी ज्ञान हमें मिलता है, चरण करणानि योग का भी ज्ञान है। कुछ अध्ययन हमें चरण करणानि योग के बारे में बताते हैं और कुछ अध्ययन धर्म कथानि योग के हैं। तो इस प्रकार से जो चार अनुयोग बताए गए हैं, उन चारों ही अनुयोगों का अगर समवेत ज्ञान देखना है, वो ऐसा कोई सूत्र है, तो वो है उत्तराध्ययन सूत्र। तो हम देखें कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यह उत्तराध्ययन सूत्र हमें जानना। इसका ज्ञान हम सभी लोग अवश्य प्राप्त करें, इसीलिए आज हम इसके संबंध में कुछ बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि उत्तर का अध्ययन कराने वाला है, इसलिए हमें जानना है। और फिर वैसे देखा जाए तो हम सबकी जिंदगी उत्तर का अध्ययन ही तो है। जीवन का ये जो हमारा क्रम चल रहा है, ये एक उत्तर का अध्ययन का ही तो क्रम चल रहा है। क्योंकि हम सब लोग जो अपने पिछले जीवन से आए हैं, तो पिछले जीवन में हमारे भीतर कई सारे प्रश्न अधूरे रह गए थे, कई सारी बातें अधूरी रह गई थी, शेष रह गई थी। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम लोग आज इस जीवन में आए हैं। तो इस तरह से देखें तो वो पिछले जीवन के प्रश्न, यानी जो हमारा पूरा अतीत है, जो हर व्यक्ति का अपना पूरा जो सोल की जर्नी में जो उसका पास्ट रहा हुआ है, वो पूरा प्रश्न है। हमारा अतीत हमारा प्रश्न है, इसीलिए उन प्रश्नों को लेकर के आज हम इस जीवन में आए हैं उत्तरित होने के लिए। तो हमारा ये जो जीवन का क्रम जो चल रहा है, जो जर्नी चल रही है जीवन की, वो उत्तर की यात्रा ही तो है, उत्तर के लिए ही तो हम आए हैं। प्रश्न तो लेकर आए हैं, अब क्या पाना है? उत्तर पाना है। इसीलिए हम इस जीवन में अब अपने आप को एक उत्तर का मुख दे सकें, उत्तर की दिशा में आगे बढ़ सकें, इसलिए भी उत्तराध्ययन का ज्ञान करना हमें जरूरी है। उत्तर अध्ययन को जानना और अपने भीतर जगाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पूरा अतीत हमारे सामने एक प्रश्न बनकर के खड़ा है, है ना। कई सारे प्रश्न हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ जहां पर मुझे इतना मतलब मेरे घर परिवार की इतनी समस्याएं मुझे जन्म के साथ ही मिल गई, या कोई लोग ऐसे महान बड़े बड़े राजकुमार की तरह जन्म क्यों लेते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, तो वो पूरा अतीत है, वो प्रश्नों का एक पिंड हम लेकर के आए हैं। इसीलिए अब उन प्रश्नों का जो पृष्ठ भाग हमारे सामने है, अब हमें उसको उत्तरित करना है। तो ये जीवन की यात्रा उत्तर की खोज की यात्रा है। और फिर इसी के साथ साथ हम देखें, बहुत ही मजेदार बात है कि ये जो हमारा पूरा पिछला जीवन है, ये पृष्ठ भाग है, ये क्या है, हमारा पिछला हिस्सा है। और अब जो हमारा जीवन है वो उत्तर भाग है। उत्तर पुराण, उत्तर कांड या उत्तर रामायण, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर उत्तर का मीनिंग क्या होता है? उत्तर यानी अगला, पिछला एक होता है पिछला, जिसे हम कहें पृष्ठ भाग, और उसके पश्चात होता है उत्तर भाग। एक है पूर्व और दूसरा है उत्तर। तो पृष्ठ भाग तो है हम सबके साथ में, लेकिन अब क्या करना है? अब उसका उत्तर भाग कंप्लीट करना है। और ये कंप्लीट करने के लिए ही तो ये जीवन का क्रम है, जीवन की यात्रा चल रही है। बस इसमें एक ही बात का ख्याल करना है कि उत्तर भाग तो अब हम भोगेंगे इस जीवन में, हमारा वो शेष भाग पूरा होगा जो भी हम भूत से लेकर के आए हैं, लेकिन अब इस जीवन में हमें फिर से प्रश्नों के पिंड बनकर के ही नहीं चले जाना है। अब इस जीवन में उत्तर को पाकर के, उत्तर को, समाधान को हासिल करके फिर यहां से जाना है। तो इसीलिए इस जीवन में जो ज्ञानियों की वाणी के द्वारा अनंत उपकार है, ज्ञानियों की वाणी का, कि हमें ये उत्तर अध्ययन का ज्ञान सुनने को मिल रहा है, तो इस जीवन में हमें उस उत्तर को पूरा कर लेना है, कंप्लीटनेस को पा लेना है, अपने भीतर जागृत कर लेना है, प्रकटित कर लेना है।
और एक और इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रहस्यमय बात है कि भगवान महावीर स्वामी तक जो ज्ञान समण निर्ग्रंथ परंपरा से चला आ रहा था, जैसे प्रभु पार्श्वनाथ हुए या उनके पहले के जो तीर्थंकर हुए, उन सभी ने जो ज्ञान दिया उसको पूर्व ज्ञान कहा जाता था। आप में से कई लोगों ने सुना होगा पूर्व ज्ञान, 14 पूर्व, कहते हैं ना 14 पूर्वों का सार है नमोकार मंत्र। तो पहले के ज्ञान को क्या कहा गया? पूर्व ज्ञान। कई सारे साधु साध्वी हुए जो भगवान महावीर के समय में भी पूर्वधर थे, पूर्वों के ज्ञाता थे, तो पूर्व ज्ञान चला आ रहा था। और भगवान महावीर ने क्या दिया? उत्तर का ज्ञान दिया, उत्तर अध्ययन दिया, उत्तर अध्ययन सूत्र दिया, अपने जीवन के उत्तर हिस्से में, जो जीवन का लास्ट हिस्सा था, जो अगला पड़ाव था उनका, जहां वो निर्वाण की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्योत में ज्योत विराजमान होने वाले हैं, उस समय में उन्होंने जो ज्ञान दिया वह है उत्तर का अध्ययन। सारे ये शब्द बहुत सिंबॉलिक है, बहुत रहस्यात्मक है, प्रतीकात्मक है, गूढ़ अर्थ रखने वाले हैं। हम सिर्फ उनकी कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके भीतर बहुत गहरी बातें छिपी है, जो कि एक साधक अपने भीतर जब ध्यान में जाता है तब उन्हें ये सब चीजें उजागर होती है। तो आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने बताया कि पूर्व ज्ञान जो चला आ रहा था और बाद में मिला उत्तर का ज्ञान, तो हमारे सामने अब जो उत्तर का ज्ञान उपलब्ध है, हम उसी की गहराई में जाएं, उसी को जानें और उन्हीं सूत्रों को अपने भीतर में जगाएं, तो यह उत्तर अध्ययन हमारे जीवन को अवश्य उत्तरित करेगा, हमें पूर्णता तक पहुंचाएगा। अब उत्तर के बारे में तो हमने काफी बातें कर ली कि यह उत्तर का ज्ञान है, लेकिन अब जो अध्ययन है, जो उत्तर प्लस अध्ययन, इससे मिलकर के बना है उत्तर अध्ययन। तो अब हम चलते हैं इसके अध्ययनों के बारे में कि क्या है इसके अध्ययन, क्या है अध्ययन का मतलब, हम सब समझते हैं इंग्लिश में इसे कहें चैप्टर्स या लेसन्स। तो यह सूत्र क्या अपने अंदर ज्ञान दे रहा है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान इसके अंदर छिपा है, मैसेज जो हमें अपने आप की पूर्णता तक ले जाने वाला है। तो इसका प्रारंभिक जो पहला ही चैप्टर है, पहला जो अध्ययन है, उसका नाम है विनय स्वयं। कितना प्यारा नाम है विनय स्वयं, प्राकृत भाषा का शब्द है। आज चूंकि वो हमारी भाषा नहीं रही, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं, समय गुजरता चला जाता है, भाषा की भी अपनी एक जर्नी होती है, आज हमारे लिए सबसे इजी लैंग्वेज हो गई हिंदी। तो इसीलिए हम हिंदी भाषा में उन प्राकृत भाषा में कहे गए सूत्रों का आज अध्ययन करते हैं। तो प्राकृत में जो पहला अध्ययन हमें ज्ञान करा रहा है विनय स्वयं, इसको हिंदी में कहेंगे विनय श्रुत। और एक और बात है कि जब भी कोई भी बात ज्ञानियों के मुख से निकलती है, उनकी वाणी हो, उनका आगम हो, चाहे उनके द्वारा कोई भी मंत्र हो, तो उस मंत्र का, उस आगम का, उस वाणी का जो पहला हिस्सा होता है और जो अंतिम हिस्सा होता है, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रारंभिक और अंत के उन दो बिंदुओं में ही सारा ज्ञान समाहित हो जाता है। मतलब अगर उनको सबसे, अगर शॉर्ट उनका एसेंस कहा जाए अगर, तो वो उस प्रारंभ में आ जाता है अथवा कई बार अंत में आ जाता है। तो इसीलिए कोई भी मंत्र का जो प्रारंभिक बीज मंत्र कहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अथवा कभी कभी अंत का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब यहां पर हम प्रारंभिक फर्स्ट अध्ययन की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये सूत्र ही हमारे जीवन में समझ आ जाए और प्रकाशित हो जाए, तो हमारे जीवन की समस्याएं अपने आप निर्मूल हो जाएगी। इतना मायने रखता है एक सूत्र ही अगर हम जीवन में अपना लें, उसे अपने भीतर से जगा लें। तो पहला अध्ययन कहता है विनय स्वयं। स्वयं का मतलब होता है श्रुतम हिंदी में, और श्रुत का मतलब होता है सुनो, सुना गया। तो विनय को सुनो, ये पहला अध्ययन हमें सीख दे रहा है। इस पहले अध्ययन की पहली ही गाथा में सूत्रकार कहते हैं कि मैं विनय का कथन करूंगा, विनयम पाउ करिस्सामी आणु पूर्वम सुने हमें, तो तुम उस विनय को सुनो। इसीलिए इसका नाम है विनय श्रुतम। और यह श्रुत ज्ञान है जो हम सब के लिए परम उपकारी ज्ञान है। पांच ज्ञान है जिसमें श्रुत ज्ञान को परम उपकारी कहा गया है, क्योंकि हमारा यह ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य की श्रुति परंपरा से ही चला आ रहा है।
पहले ज्ञान को लिखा या पढ़ा नहीं जाता था, गुरु अपने मुख से ज्ञान को प्रकाशित करता था और शिष्य जो उनकी परिउपासना में जीता था वह सुन करके ही ज्ञान प्राप्त करता था। आज हम सब लोगों को एक गलत ये मान्यता बन गई है, एक ज्ञान की कमी की वजह से ही कहें, हमारे अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि ज्ञान आज तो बहुत इजीली अवेलेबल है, दुनिया भर की बुक्स है हम लोगों के सामने, पढ़ने वालों की कमी है। लेकिन कहते हैं ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान किताबों से नहीं मिलता है, पढ़ने लिखने से नहीं प्राप्त होगा, ज्ञान भीतर से प्रकाशित होने की चीज है। और वह ज्ञान प्रकाशित तब होगा, उसके लिए माध्यम क्या बनेगा, गुरु के शब्द, तो वो सुन करके आता है। इसीलिए श्रुत ज्ञान का बहुत महत्व बताया। वेदों में भी श्रुतियां होती है और हमारे यहाँ पर श्रुत ज्ञान होता है, तो गुरु शिष्य की गुरुमुख श्रुति परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है। तो ज्ञान सदा ही सुनने से जगता है, सुनने से ज्ञान मिलता है। और सुनेगा कौन, सुन कौन पाएगा, जो विनय होगा, जो विनयी होगा, जो विनयवान होगा वही सुन पाएगा। और ज्ञान सुनने से मिलता है, लेकिन सुनना हर किसी के बस में नहीं है। हम देखें, हम अपने आप के संबंध में ही इन चीजों को समझें, हम किसी और के परिप्रेक्ष्य में इन बातों को नहीं समझ रहे हैं। तो हम देखें कि हमारे जीवन में क्या ये विनय के लक्षण है, क्या हम विनयवान हैं, और विनयवान का पहला लक्षण क्या कि वह सुन पाएगा, और जो सुन नहीं सकता वो क्या है, विनयी का ऑपोजिट अविनयी है, वो अविनयवान है, उसे हम अविनीत भी कह सकते हैं, सब एकार्थी शब्द हैं। तो जो अविनयी होगा वह सुन नहीं पाएगा। और अब हम अपना निरीक्षण करें, जरा नजर अपने आप पर घुमाएं कि क्या हम सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब सब लोग जानते हैं कि नहीं, सुनाने के लिए जब कहो हम तैयार हैं, लेकिन सुनने के लिए कह दो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हम विनय की बात करें, विनय को समझें, उसके पहले अच्छा होगा कि हम अविनय को समझ लें, क्योंकि विनय की बात तो बहुत आसान है। आज दिन तक हम सुनते आए कि विनय करो, पोलाइट रहो, बड़े आए तो उनका आदर करो, रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, किसके साथ कैसे बोलना, ये सब बातें ध्यान रखो। हम विनय का बस इतना औपचारिक अर्थ ही हमें पता है और इतना हम सब लोग दे भी सकते हैं, लोगों को भी हम कहते हैं, हम बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को भी कहते हैं विनयवान बनो, पोलाइट रहो, वगैरह वगैरह। लेकिन हम उसको समझें, उसका जो गहरा अर्थ समझें, उसके पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर अविनय किसको कहते हैं। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे जीवन में कहां कहां पर अविनय है, कितने कितने लक्षण हमारे अंदर उस अविनय के निहित है, विद्यमान है। तो अविनयी का पहला लक्षण हम बात कर रहे हैं कि अविनयी इंसान सुन नहीं सकता, और सुने बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि विनय को सुनना है, विनय पूर्वक सुनना है, विनय का ज्ञान पाना है, तो उसके पहले हमें सुनना सीखना होगा। सुनो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। लेकिन हम तो देखते हैं कि जहां कहीं भी चार लोग, आठ लोग, दस लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर उनकी चर्चा वार्ता चल रही होती है, तो एक माहौल ऐसा होता है, आप एक बिल्कुल थर्ड पर्सन, बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन की तरह अगर उन लोगों को बातें करते हुए सुनो, कोई डिस्कशन चल रहा हो, कोई बात पर चर्चा वार्ता चल रही हो, तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान बोलने के लिए आतुर है, हर इंसान अपनी बताना चाह रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सुनाना चाहता है, अपनी बात कहने के लिए इतना उत्सुक होता है, कोई भी सुनना नहीं चाहता। अरे एक इंसान बोल रहा है, आप उसकी बात को पूरा शांति से अच्छे से सुनो, समझो, लेकिन नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति अपनी बात पूर्ण भी नहीं कर पाएगा, उससे पहले दूसरा वाला व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए उतावला हो जाएगा। तो ये क्या माहौल होता है, हर व्यक्ति सुनाने को उत्सुक है, सुनने को कोई नहीं चाहता, सुनना किसी को नहीं अच्छा लगता है। और अगर हम सुनते भी हैं ना, तो वो इसलिए क्योंकि हमें ये एटिकेट्स दिए गए हैं, हमें ये सिखाया गया है कि जब भी आप किसी के साथ बैठो, कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा हो, तो आप उस वक्ता की बात को पूरा सुनो, पूरा सुनो, उसके पश्चात जब तुम्हारा नंबर आए तब तुम्हें बोलना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ पर एटिकेट्स दिए जाते हैं, एक शिष्टता है, एक सभ्य आचरण कहा जाता है। तो बस उस सभ्यता, शिष्टता या कहें एटिकेट, इसके नाते एक व्यक्ति चुप रहता है, बाकी तो भीतर ही भीतर तो वो उबल रहा होता है अपनी बात बताने के लिए, है ना। यही हाल होता है
बाहर से चुप है, वो भी किस लिए? क्योंकि अपनी बारी का इंतजार है, मौके को तलाश रहे हैं कि अभी ये वक्ता बोल के अपनी बात रख देगा, चुप हो जाएगा, तब जाकर के हम बोलेंगे, अन्यथा तो माहौल बहुत अजीब हो जाएगा, सब एक के साथ बोलते रहेंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ हमें एटिकेट्स देने पड़े, यानी सिखाना पड़ा ये चीज भी कि सभ्य आचरण अगर करना है तो जब एक इंसान बोले तो तुम्हें चुप रह के सुनना, तभी तो तुम बोलोगे तब सामने वाला भी चुप रह करके सुनेगा। तो ये सब हमें सिखाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारा मन कभी भी चुप रहना जानता नहीं, हमेशा उसे अपनी अपनी बात कहनी है। तो इसीलिए हर व्यक्ति सुनाने को उत्सुक है। और वैसे देखा जाए तो एक फैक्ट भी है कि अगर एक साधारण इंसान को अगर अपनी बात कहने का मौका ना मिले, अगर वो उसे कोई सुनने वाला ना मिले, वो अपनी बात सुना ना पाए, तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा ही है, अगर हम अपने आप को अभिव्यक्त ना करें, हमें कोई सुनने वाला ना हो, तो इंसान भीतर ही भीतर घुट जाएगा, कुंठित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाएगा, और फिर ये इरिटेशन कई सारी बीमारियों को और बढ़ाएगा। तो इसीलिए सुनाना हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम देखें कि अविनयी का लक्षण होता है कि वो कभी भी सुनना जानता ही नहीं है, उसे तो हमेशा सिर्फ सुनाना होता है। और एक और बात, हम लोग बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं, लोग जब अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं तो कहते हैं कि महाराज साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझसे सुना नहीं जाता, है ना। शायद आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में हो, आपने भी ये वाक्य कई बार बोला हो कि बाकी सब ठीक है, काम तुम हमसे कितना ही करा लो, काम हम सब कर लेंगे, लेकिन सुनना नहीं, सुन नहीं सकता मैं, है ना। कितना बहुत ज्यादा चर्चित जुमला है ये, इसका मतलब क्या, सुन नहीं सकता, सुनना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये चीज ये शो करती है कि इंसान के भीतर अहंकार इतना भरा हुआ है कि वो किसी की बात को सुन नहीं सकता, किसी की हित शिक्षा, किसी की कोई एडवाइस भी अगर कोई बड़े बुजुर्ग या कोई भी ज्ञानी गुरु महात्मा संतजन हमें देते हैं तो वो हमें सुनना पसंद नहीं होता है। और कोई अगर कुछ कह दे सुनना उन अर्थों में, तो हम कहेंगे सुनना बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, ऐसा कहने वाला व्यक्ति भी निरंतर दूसरे लोगों को सुना जरूर रहा होता है, हर बात में हम सुनाते जरूर है, लेकिन खुद को जब सुनना पड़ जाए तो वो चीज बेयर नहीं कर पाते, सुनना किसी को टॉलरेट नहीं हो पाता है। इसका मतलब हमारे भीतर कितना अहंकार, कितना अभिमान छिपा बैठा है जो कि सुनना पसंद नहीं करता है। तो इसे हमें पहचानना है, अविनयी का पहला लक्षण है कि वो सुन नहीं सकेगा, और कदाचित उसे सुनना पड़ जाए यानी मजबूरी हो जाए कि कोई बड़ा है। अब एटिकेट्स है, ये भी हमें सिखाया गया कि बड़ों के सामने मत बोलो, और आजकल बड़े लोग भी बच्चों को कहते हैं कि देखो एक हमारा जमाना था जब हम कभी बड़ों के सामने नहीं बोलते थे, हम कितने पोलाइट थे, कितने विनयी थे, हमें ये गुण थे हमारे भीतर, आज तुम लोगों की जनरेशन देखो कितना सामने बोलते हो। अब ऐसे में कई बच्चे कहते हैं ठीक है पिताजी, ठीक है दादाजी, सामने नहीं बोलना तो क्या हुआ, हम मन ही मन बोलेंगे। आप कहते हो सामने मत बोलो, लेकिन मन ही मन बोलने को तो आप नहीं रोक सकते ना, ठीक है आपके शिष्टता के नाते, आपका दिल ना दुखे इस नाते हम चुप रह जाएंगे, लेकिन मन ही मन तो बोलेगा। तो ऐसा इंसान अगर मजबूरी में सुनना भी पड़ जाए उसे कि बॉस है, अब कैसे उनके सामने वापस पलट करके तो बोल नहीं पाते, नौकरी चली जाएगी, या कोई कर्मचारी है, सबॉर्डिनेट है, अब उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो बड़ों के सामने मुंह खोल सके, तो ऐसे में वो क्या करता है, मन ही मन बोल रहा होता है कि ठीक है सुनाने दो इनको, कितना भी कह दो, आज ये ऊपर है इसलिए बोल रहे हैं, अपनी धौंस जमा रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बात मानूंगा थोड़ी, हर बात कोई मैं इनके कहे अनुसार थोड़ी ना करूंगा, मैं मानूंगा थोड़ी। ये चीज क्या दर्शाती है, फिर से वही बात, अभिमान, मैं मानूंगा नहीं, ये मानना, ये मान को बता रहा है कि जिसके भीतर इतना मान गहराई तक छुपा है, व्याप्त है, वो व्यक्ति कभी किसी की कही हुई बात को मानेगा नहीं, मानने से इनकार कर देगा, वो कहेगा मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों उनके कहे अनुसार करूं, क्या मैं हमेशा जैसा वो कहेंगे वैसे ही उनके चलाए चलता रहूंगा क्या। ये सब सवाल किस भूमिका से उठते हैं, मान की भूमिका से। ये हमारा अभिमान ही ऐसे प्रश्नों को जगाता है कि मैं क्यों हर किसी की सुनूं, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों छोटा बनूं, ये क्या है, अहंकार है, हमें इसको पहचानना है। क्योंकि विनय की बातें तो बहुत कर लेंगे हम, लेकिन
इसका ऑपोजिट चीज जो हमारे अंदर है उसको हम कभी नहीं देखते, उसको सुरक्षित रखते हैं, उन चीजों पर हम कभी नजर नहीं डालते। और जब तक अपनी कमियों पर, अपने दुर्गुणों पर, अपने बीमारियों को नहीं देखेंगे तो उनका निदान कैसे होगा? बीमारियों को देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो उनका निराकरण संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने ये नेगेटिव अप्रोच से स्टार्ट किया कि पहले हम अविनय को जानें। तो अविनय का पहला लक्षण, वो सुन नहीं सकता। दूसरा, वो सुनना पड़ जाए कदाचित तो भी वो मानेगा नहीं। और फिर तीसरा, वो नहीं मानेगा और साथ साथ में अपनी जिद पे अड़ा हुआ रहेगा और कहेगा कि बस मैंने जो सोचा, जो मुझे ठीक लग रहा है, मैं तो वही करूंगा। इस तरह से वो हर बात में जिद्दी हो जाएगा। तो अविनयी का लक्षण होता है, जो अविनयी व्यक्ति होगा वो जिद्दी दिखाई देगा आपको। उसके भीतर अपनी जिद होगी, अपनी पकड़ होगी, अपनी अकड़ होगी कि नहीं, जो मेरे को ठीक लग रहा है, जो मेरे को समझ आ रहा है, मैं बस वही करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक कहावत, लोकोक्तियां जो होती है उसमें कहते हैं कि ऐसा इंसान होता है जो कही हुई किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, और खुद ने जो पकड़ ली उसको वो छोड़ता नहीं। कही हुई माने नहीं और पकड़ी हुई छोड़े नहीं, ऐसे लोग होते हैं वो। तो खुद ने जो पकड़ ली, खुद ने जो जिद ठान ली, बस मुझे तो वही करना है। होते हैं ना, कई बच्चे आपके घरों में होते हैं, आपको शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे आजकल बहुत जिद्दी हो रहे हैं। ये सब क्या है, ये किसके लक्षण हैं? ये चीजें, ये जिद, ये नहीं मानना, ये सब ये शो कर रहा है कि इंसान के भीतर विनय का ज्ञान जरा भी नहीं है। विनय उसके जीवन में है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है। अविनय की मात्रा बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे थे कि अविनयी व्यक्ति जिद्दी होगा, हठी होगा, हट कर लेगा, दम्भी भी होगा, अभिमानी होगा, मैं मानूंगा थोड़ी। और फिर इसी के साथ साथ ऐसा इंसान प्रतिक्रियाशील होगा, यानी रिएक्टिव होगा। अब रिएक्शन तो सहज बात है, अब जिद है, मानना नहीं है, आप उसे कितनी देर तक चुप रख लोगे? और फिर सिर्फ सामने बोलना ही तो एक रिएक्शन नहीं है ना, कि एक व्यक्ति आपको पलट करके जवाब दे रहा है तो वो रिएक्टिव है। हमें सिर्फ इतना ही लगता है कि पलट कर मत बोलो, बड़े लोग उसे जबरदस्ती चुप तो करा देंगे एटिकेट्स के नाम पे कि चुप रहो, बड़ों के सामने मत बोलो, लेकिन भीतर ही भीतर से उसका रिएक्शन तो निरंतर चालू है ना, उसको कहां चुप करा पाते हैं। तो अविनय इंसान प्रतिक्रियाशील होगा। बोल करके लड़ाई झगड़ा करना, कहा सुनी करना, पलट करके जवाब देना, वो तो एक तरह की प्रतिक्रिया है ही, लेकिन जब एक इंसान मुंह फुला करके बैठ जाता है, चुप होकर के बैठ जाएगा, चुप्पी साथ लेगा, उपेक्षा करने लग जाएगा, उनकी बातों को सुनेगा ही नहीं, कहेगा अरे ये तो ये बोलते रहते हैं, बकवास करने की आदत है इनकी, बड़बड़ करते रहते हैं। अब ये जो वो मन ही मन बोल रहा है ना कि वो बड़बड़ करते हैं, वो बकवास करते हैं, अरे छोटे लोग हैं, ऐसे घटिया लोग हैं, तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनकी तो आदत है, इनका तो काम है। अब ये सब जो वो अपने मन ही मन में बोल रहा है, ये भी तो रिएक्शन ही है। तो सिर्फ पलट करके कहना, बाहरी अभिव्यक्ति ही प्रतिक्रिया नहीं होती, भीतर भीतर जो चल रहा है वो भी रिएक्शन है, हमें इसको भी पहचानना है। अविनय इंसान सतत प्रतिक्रियाशील होगा, उसके मन से लगातार प्रतिक्रियाएं उठ रही होगी। और हम देखते हैं कई महिलाएं होती है घर पे, तो वो अब सामने वापस बोल नहीं सकती, चूंकि महिला भी है, उनकी शिक्षा संस्कार ही ऐसी रही है, लेकिन वो क्या करती, उनके प्रतिक्रिया करने का तरीका क्या होगा, नाराज होकर बैठ जाएगी, चुप हो जाएगी, उपेक्षा कर लेगी, मुंह उधर घुमा करके बैठ जाएगी, अब हम आपकी बात को सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। अब ये भी तो प्रतिक्रिया ही है। तो इस तरह से अविनीत इंसान प्रतिक्रियाशील भी होता है, और फिर साथ ही साथ उसके भीतर एक आदत आ जाती है, ये रिएक्टिव मोड पर चला जाता है जब इंसान, तो वह हर किसी की बात को काटने वाला बन जाता है। ये उसका चौथा लक्षण है कि अविनयी इंसान बात काटता है, बात काटने की आदत। हमें इन सारे लक्षणों को जान करके अपने भीतर नजर घुमानी है कि क्या ये सब चीजें, ये सब जो अविनय की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहीं हमारे भीतर तो नहीं है, कहीं हमारी भी ऐसी आदत तो नहीं कि हम भी सामने वाले व्यक्ति की बात काटते हैं तुरंत, पता ही नहीं लगता। हम तो अपने आप को कभी देखते ही नहीं है इस नजर से कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं, मेरे एक्शंस कैसे हैं, मेरी वाणी कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, हम कभी उस पर नजर नहीं डालते। बाकी दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, इसका हमें सब पता रहता है, उनको जज कर लेंगे, लेकिन हमारा खुद का वाणी व्यवहार कैसा है उस पर कोई ध्यान नहीं। तो अविनय इंसान की बात काटने की आदत ही पड़ जाती है। कई लोग तो जानबूझकर बात काटते हैं, जहां पर भी कुछ भी ऐसा कोई माहौल बना हो तुरंत वो पहुंच जाते हैं सामने वाले की बात काटना, उनका काम ही एक होता है, वो क्या कह रहा जा रहा है सामने वाला, उसमें कितना तथ्य छुपा है, क्या वो उसका क्या एंगल है, उसका क्या नजरिया है, नथिंग मैटर्स। एक चुटकुला भी आता है जहां वो इंसान कहता है कि वो इसी चीज के लिए
फेमस था कि वो हर किसी की बात को बिना कहे ही, बिना सुने ही काट देता था और इस तरह से अपनी महानता को स्थापित करता था। तो वहां के राजा भी उससे मिलने के लिए आया और उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारे पास ऐसी क्या ट्रिक है कि तुम हमेशा अपने आप को विजयी कर देते हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रूव कर देते हो। उसने कहा, मैं किसी की बात सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, मैं हर बात को नकार देता हूँ। यह आदत आजकल हम लोगों में भी बहुत है, हर किसी की बात को बिना सुने बिना जाने ही नकार देना। अरे बिना जाने हम उसे कैसे नकार सकते हैं, कैसे हम दूसरों की बातों को काट सकते हैं? तो कई लोग हम बात कर रहे हैं जानबूझकर बात काटते हैं और फिर कई लोगों की तो ये आदत ही पड़ जाती है, ये वृत्ति ही हो जाती है बात काटने की। तो बात काटने वाली जो ये वृत्ति है, जो ये आदत है, ये शो करती है कि उस इंसान के भीतर अधैर्य कितना है। अधैर्य यानी इम्पेशेंस। इम्पेशेंट व्यक्ति है तो बात काटेगा क्योंकि उसे पूरी बात सुनने तक का पेशेंस नहीं हो, पहले ही कह देगा हाँ मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो लेकिन ऐसा नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। या हम देखें कई लोगों की आदत होती है उनके सेंटेंस शुरू ही नहीं से होते हैं, वो कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। ये नहीं नहीं कहना, ये क्या है, सामने वाले की बात को सिरे से नकारना और अपनी बात को जमाने का प्रयास करना। उन्हें पता ही नहीं चलता है, हम लोग इतने अज्ञानता में, इतनी बेहोशी में जी रहे हैं कि हमें इस बात की खबर ही नहीं होती। इसीलिए हमने कहा आदत ही पड़ जाती है कि वो इतने अधीर हो जाते हैं। तो अविनय का ही एक कहें कि उसी का बंधु है, उसी का भाई है अधैर्य, इम्पेशेंस, और विनय की बहन है धैर्य। जिस इंसान के भीतर विनय का सद्गुण होगा, विनय जिसके भीतर प्रकटा होगा, वो धैर्यवान होगा, वो पेशेंट होगा, वो हर किसी की बात को सुनेगा, वो किस एंगल से कह रहे हैं, उनकी क्या सोच कहां तक जा रही है उसको समझ आएगा। कैसे समझ आएगा, सुनने से समझ आएगा। देखिए यहां पर भी सुनना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सारे सूत्र हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारा समाधान दे रहे हैं, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा क्योंकि हमारा पूरा व्यवहार सुनने पर ही तो टिका है, सुनकर के ही बहुत चीजें समझ आती है। और ज्ञान कोई सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आत्मा का या आध्यात्मिक ज्ञान ही है, हमें इस जीवन को जीने के लिए भी हर प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हमें एक्सपर्ट्स को सुनना तो सीखना पड़ता है ना, सुने बिना ज्ञान कहां से आएगा, चाहे अपने इस भौतिक जीवन को चलाने के लिए भी हर प्रकार का ज्ञान चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, वापस आते हैं जहां पर हम चल रहे हैं, अविनय का लक्षण कि वो बात काटता है और वो इम्पेशेंट होता है, अधीर होता है, उतावला होता है। देखे ना, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं उतावलेपन के कारण। अगर एक व्यक्ति अपने इस उतावलेपन के, इस हड़बड़ी की आदत को छोड़ देना तो उसके लाइफ के बहुत सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे। उसके जो फ्रेंड्स हैं जो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं या कई सारी चीजें वो ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता क्योंकि पेशेंस नहीं है, तो वो उतावल आके गड़बड़ में गड़बड़ कर डालता है। तो ये है हमारे प्रश्न है और इन्हीं में उत्तर छिपा है। ये उतावलापन, ये अधीरता, ये बेचैनी, ये व्याकुलता, ये सब चीजें अविनयी के लक्षण है। अविनय इंसान अधीर होगा। और फिर एक और अविनयी का लक्षण होता है कि अविनय इंसान को जहां पर सुविधाएं मिलती है और जहां पर उसके मान को पुष्टि मिलती है, यानी उसका मान बढ़ाया जा रहा है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको सुख सुविधाएं दी जा रही है, वहां तब तक तो वो प्रसन्न रहता है। लेकिन जब उसको कोई सुविधाएं नहीं मिलती, जब उसके मान का पोषण नहीं किया जाता, जहां पर भी उसके ईगो को नहीं बढ़ाया जाता, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, वो दो तरह से रिएक्ट करेगा। या तो वो वहां से पलायन कर जाएगा, उस स्थान को छोड़कर ही चला जाएगा, और या फिर वो उस स्थान की, उन व्यक्तियों की बुराइयां करने लग जाएगा। आप देखिए उदाहरण से आपको बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। आप किसी भी संस्था में चले जाइए, उस संस्था में कई सारे लोग होते हैं, कुछ पोस्ट पर बैठे होते हैं, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष वगैरह होते हैं, और कुछ लोग साधारण मेंबर्स होते हैं। तो उनमें से कई लोग जो साधारण सदस्य होते हैं वो उस संस्था की, जिस संस्था के वो मेंबर है उसी संस्था की आलोचना कर रहे होते हैं। हाँ बड़ी आई सेवा संस्थान, कोई सेवा के आज तक तो कोई कार्य किए नहीं, बस ये लोग क्या करते हैं, जहां पर भी इनका मान सम्मान होता है ये अध्यक्ष मंत्री पहुंच जाते हैं, काम के कुछ नहीं, सिर्फ नाम के हैं, ऐसी आलोचनाएं आपने भी सुनी होगी, हमने तो बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। तो ये क्या है, वो व्यक्ति उनकी बुराई क्यों कर रहा है,
क्योंकि उसे वहां पर मान नहीं मिल रहा, उसके मान का पोषण नहीं हो रहा ना, उसके ईगो को पुष्ट नहीं किया जा रहा, इसीलिए वो या तो उस संस्था को छोड़ ही देगा और या फिर वो रहेगा तो भी उनकी बुराई करता रहेगा। तो निंदा वही इंसान करता है जिसको अपना अभिमान चाहिए, जिसको अपना ईगो फ्लेयर अप करने वाला चाहिए और वो नहीं हो रहा, अपने मान का पोषण नहीं मिल रहा, तो वो सामने वाले की बुराई कर रहा है। अब होना तो ये चाहिए कि जो व्यक्ति उस अध्यक्ष की, उस मंत्री की, उस संस्था की बुराई कर रहा है, आप उसे ही पोस्ट पर बैठा दो, उसे ही पदासीन कर दो और फिर कहिए कि आप ही कार्यभार संभालिए, आप ही इसी संस्था को बढ़ाइए, आगे ले जाइए, इसकी तरक्की कीजिए। तो अब देखो, अब वो उस संस्था की बुराई करना बंद हो जाएगा, अब बिल्कुल बुराई नहीं होगी, अब कोई पद की, पदासीन व्यक्ति की बुराई नहीं होगी, क्योंकि अब उसे स्वयं को वो पोस्ट मिल चुकी है। कहने का मतलब कि जब उसको आप उसके अभिमान दे दो, उसके मान को पोषण दे दो, तो वह शांत हो जाएगा। तो ये लक्षण है अविनयी का। उसके भीतर अहंकार कोट कोट कर भरा होगा और ये कोई वो दूसरा नहीं है। ये मत समझना कि अगर हम उसको कह रहे हैं तो वो कोई और है, वो कोई और नहीं, वो हम ही हैं। हमारे भीतर के ही सारे लक्षणों की बात चल रही है कि हमारी ये स्थिति है कि जहां पर भी हमारे मान को पोषण मिलेगा हम वहां पर बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। दैट मीन्स हमारे भीतर अविनय है, ये अविनय का लक्षण है। तो इस से हम देखें अविनय का एक लास्ट लक्षण और बात कर लेते हैं कि अविनीत इंसान कभी भी आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएगा। इसकी अभी हम बात कर रहे थे कि बात काटने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, पता क्यों नहीं चलता, हमें क्यों नहीं दिखाई देते हमारे ये लक्षण। आज से पहले क्या हमने कभी इस ओर नजर डाली, क्या हमें कभी ख्याल आया कि मेरे भीतर ऐसी ऐसी आदतें हैं, मेरे भीतर इतना अभिमान छुपा है। अगर कोई कह भी दे ना कि तुम कितने इगोस्टिक हो, हम कहेंगे तू होगा इगोस्टिक, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं, कहां है अभिमान बता। कई लोग कहते हैं हमें, कहां है मेरे भीतर अहंकार बता। अरे वो जो सुन नहीं पा रहे हैं, अगर कोई उन्हें कह रहा है कि तुम्हारे भीतर अभिमान है, जरा देखो पहचानो, तो तुरंत उबल पड़ेंगे, कहां है अभिमान, ये क्या है, ये भी तो अभिमान ही है। लेकिन नहीं दिखाई देता, बड़ा सूक्ष्म है अभिमान, बड़ा सूक्ष्म है ये मान। इसीलिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, जहां वे कहते हैं, तापस बन फिर भी सुख साधा, दुष्कर सेवा बनना सादा, मुक्ति मार्ग की पहली बाधा, बैठा अंतर मान अगाधा, विनय नहीं तो कुछ नहीं साधा। बहुत गहरी पंक्तियां हैं उनकी, और ऐसे जो ज्ञान को उपलब्ध चेतनाएं होती हैं उनके भीतर से ज्ञान सहज रूप में प्रस्फुटित होते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की भीतरी उस जागृत चेतना से अनेकों गीत, अनेकों पंक्तियां, अनेकों सुभाषित वचन ऐसे ही सहज निसृत होते थे। कितना गहरा मीनिंग है। वे कहते हैं, तापसपन फिर भी सुख साधा। तापसपन यानी तपस्याएं करना, तापस बन जाना, तपस्वी हो जाना, फिर भी इजी है, कठिन है लेकिन फिर भी इजी है। दुष्कर सेवा बनना सादा, और जो सेवा करना है वो बहुत दुष्कर है। तपस्या तो फिर भी कई लोग कर लेंगे, महीनों महीनों उपवास भी कर लेंगे, आयमिल उपवास इजिली हो जाएंगे, हम लोगों को नहीं होता इसलिए हमें लगता है अरे कितना मुश्किल है, लेकिन कई लोग हैं जो कर लेते हैं, भूखे रह लेंगे, लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है। सेवा करने में अपना पूरा सत्व देना होता है, अपना अभिमान झुकाना होता है। इसीलिए ये पंक्तियां क्या कहती है, तापसपन फिर भी सुख साधा, दुष्कर सेवा बनना सादा। सादा बनना, नॉर्मल हो जाना, अपना कोई अभिमान रखना ही नहीं, ये बहुत मुश्किल है। दुष्कर सेवा बनना सादा, मुक्ति मार्ग की पहली बाधा, पैठा अंतर मान अगाधा। मुक्ति मार्ग की अगर पहली बाधा है, पहली रुकावट, क्यों हम मुक्त नहीं हो पा रहे। बातें बहुत करते हैं मोक्ष की, हम देखें ना, बातें पॉजिटिव चीजों की करना बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मोक्ष ऐसा है, उतनी उसकी अवगाहना है, इतना उसका लंबा चौड़ा योजन क्षेत्र है। बातें करने से कुछ नहीं होगा, मुक्ति मार्ग की पहली बाधा जो हमारे जीवन में है उसको देखना है, उसको दूर करना है। पैठा अंतर मान अगाधा, ये हमारे अंदर जो ये मान, अगाध मान यानी इतना गहरा मान बैठा हुआ है, गहराई तक व्याप्त है, वो हमारे मोक्ष की हमारी पहली बाधा है, पहली रुकावट है। तो इसीलिए उसको दूर करना है, उस मान को पहचानना है, और विनय नहीं तो कुछ नहीं साधा। अगर विनय को नहीं साधा, अगर मान हमारा नहीं झुका, मान हमारा नहीं गया, तो
कुछ नहीं सादा, कुछ मतलब नहीं है, कितनी भी धर्म की क्रियाएं कर लें, लेकिन जब तक मान कषाय अपने भीतर है तब तक मुक्ति तो संभव है ही नहीं। इसीलिए हम बात करें अपने जीवन को समझने की, और इसमें आता है आत्मनिरीक्षण। और अविनयी इंसान कभी आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मनिरीक्षण के लिए पहला ही फॉर्मूला होता है कि वही व्यक्ति अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएगा, जो अपने भीतर दोषों को देखने की दृष्टि डालेगा। लेकिन अविनयी इंसान के लिए यह संभव नहीं। आत्मनिरीक्षण क्यों संभव नहीं? क्योंकि उसे तो दोष हमेशा औरों में नजर आएंगे। गलती किसी की है तो किसकी? हमेशा ही दूसरों की। अगर कुछ भी लाइफ का कुछ इवेंट हुआ, हमेशा वो किस पर डालेंगे? उनकी वजह से ऐसा हुआ। मैं आज नहीं पढ़ लिख पाया, क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने उस समय मुझे सपोर्ट नहीं किया, उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे स्टडी छुड़ा दी उन्होंने। मतलब हर चीज में रीजन और कोई होगा, फॉल्ट किसी और का होगा, इसीलिए वो आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएगा। और यही तो प्रॉब्लम है। हम धर्म के नाम की क्रियाएं बहुत कर लेंगे, बहुत डोनेशन भी दे देंगे, बहुत तपस्याएं भी कर लेंगे, कई सारी धार्मिक क्रियाएं कर लेंगे, लेकिन वो सिर्फ क्रियाएं ही होगी। अपने आप की जहां पर बात आएगी कि आपके अंदर कितना मान है, अपने आप को तो जरा पहचानो, वो कहेंगे ये नहीं होता। हम लोग प्रतिक्रमण का यही जो शुद्ध अर्थ है ये बताते हैं। और जब लोगों को कहते हैं कि आप अपना सेल्फ प्रतिक्रमण करो, सिर्फ पाठ रटने से, पाठों का दोहराव करने से प्रतिक्रमण नहीं होगा, आप आत्मनिरीक्षण रूप प्रतिक्रमण करो। निंदामी शब्द जो आता है ना हमारे यहाँ, उसका मतलब ही है निरीक्षण करना। निंद निरीक्षण है, निरीक्षण के अर्थ में ये धातु प्रयुक्त हुई है कि आप अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप के भीतर देखो कि कहाँ कहाँ मेरी गलती रही है, मेरे अंदर क्या कमी है कि जिस वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। ये कहना तो बड़ा आसान है कि कलीग ने बॉस की बड़ी चमचागिरी की, चापलूसी की, इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। सब पार्शलिटी चलती है, बच्चे कहते हैं, टीचर्स पार्शलिटी करते हैं, वो उनका बड़ा प्रिय है इसलिए उसको मार्क्स ज्यादा देते हैं, मुझे नहीं देते। लाइफ में हर जगह हमें कंप्लेंस है। कंप्लेंस करना, शिकायतें करना बहुत आसान है। दूसरों में कमियां देखना हर कोई कर लेगा, लेकिन खुद की कमी वही देख पाएगा। आत्मनिरीक्षण वही इंसान कर पाएगा जो विनयवान होगा। तो विनयी व्यक्ति ही आत्मनिरीक्षण कर पाएगा। और उल्टे से हम बात करें, जो हम अविनय के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं, कि अविनीत इंसान कभी भी आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नजर हमेशा दूसरों पर ही टिकी रहेगी, और हमें उस नजर को खुद पर मोड़ना है। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि हम अपने आप की तरफ मुखातिब हों, ये तो देखने का प्रयास करें कि अरे मेरी क्या कमी रही, मेरी क्या गलती रही। अगर लाइफ में मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या मेरा फैमिली वालों के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरा क्या फॉल्ट रहा, मेरी क्या कमी रही, मेरी क्या गलती रही, क्या मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाया, या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उसको मीट आउट नहीं कर पाया, या जो मुझसे मेरा कर्तव्य था वो मैं फर्ज नहीं निभा पाया। खुद पर तो नजर डाले कोई तो उसे दिखाई देगा। इसी वजह से ये अविनय जो हमारे जीवन में इतना गहराई तक व्याप्त है, इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है, जीवन के हर क्षेत्र में हमारे ये सारे अविनय के लक्षण हैं। तो इस वजह से हम देखें कि हमारे इस अविनय स्वभाव के कारण, अविनय नेचर के कारण, अविनय हैबिट्स के कारण, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अभी हमने बात करी जो एक अविनय व्यक्ति में होते हैं, इन्हीं चारित्रगत विशेषताओं के कारण से हमारे जीवन की शांति पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अविनय के कारण हमारा शांति चली गई और क्या मिला? तनाव मिला। हर इंसान को आज स्ट्रेस है, टेंशन है। क्यों? टेंशन रहेगी। जब तक आप अविनयी हो, आपका अपना ये मान नहीं जाता है, तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी, तनाव आएगा। तो अविनय की वजह से हमारी शांति भंग हुई, हमने तनाव पाया। अविनय की वजह से हमारे संबंधों में दरार आ गई, आपके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? ईगो इश्यूज ही तो है, इतने डिवोर्स हो रहे हैं आजकल। हम बहुत अलग अलग तरह की बातें करते हैं, ये सब शाखाएं हैं, पाक पत्तियों की बातें हैं, मूल क्या है? ईगो। तो ये डाइवोर्स हो, चाहे माता पिता के संबंध बिगड़ रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, हर समस्या का रूट कॉज एक ही है, अविनय। इसीलिए हम इस रूट की, मूल की बात कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र मूल का ज्ञान दे रहा है। इस पहले अध्ययन में गुरु शिष्य के माध्यम से ये बातें समझाई गई है कि शिष्य को कब, जब गुरु अगर उन्हें कुछ कहे तो वो अपने आसन पर बैठकर ही ना कहे, कोई जवाब ना दे, वो अपने आसन से उठकर के जाए, उनकी बात को सुने। कहने का मतलब कि
वो हमेशा अभ्युत्थित रहे, अटेंटिव रहे, अप्रमत्त रहे, गुरु के भीतर उसका उसके प्राण बसते हो। तो इस तरह से कई सारी चीजें गुरु शिष्य के माध्यम से बताई। लेकिन हम कहेंगे कि भाई आजकल हम तो कोई गुरुकुल में रहते नहीं, हम तो अध्ययन करते नहीं, तो इसलिए हमारे लिए वो बातें लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है, हम उसी ज्ञान को वर्तमान संदर्भों में भी देख सकते हैं। आज की जो हमारी परिस्थिति बनी हुई है उसमें हम अपने आप को पहचान रहे हैं, इसीलिए हमने कुछ बातें की अविनय की। तो अविनय इंसान शांति खोता है, तनाव पाता है, संबंधों में दरारें पाता है, जीवन की मधुरता को खो देता है और अविनय इंसान की लाइफ में सफलता के मार्ग में बहुत सारे रोड़े पाएगा, अड़चने पाएगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, लाइफ में बहुत रुकावटें हैं, कुछ काम करने जाते हैं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, आएगी भी, क्योंकि अविनय है अंतर में तो मान बैठा हुआ है। तो अविनय इंसान को सफलता के मार्ग में, अपने लक्ष्य को पाने के मार्ग में बाधाएं तो कदम कदम पर मिलेगी, इसीलिए इस अविनय को जानना जरूरी है। और उसके पश्चात अगर हमें इन सारी समस्याओं का समाधान चाहिए, हमारे जो लाइफ के डे टू डे लाइफ के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस है, क्यों मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, क्यों मुझे सुनाया जाता है, क्यों मुझे नहीं देखा जाता है, इन सब का उत्तर समझदार को तो मिल गया होगा। हम समझें कि अगर हमारे जीवन में ये अविनय है तब तक ये प्रश्न रहेंगे, लेकिन हमें विनय को सुनना है, विनय को जानना है। और ये विनय बहुत गहरा मीनिंग रखता है। सिर्फ इतना ही इसका अर्थ नहीं है कि आप उठो बैठो नमस्कार कर लो, बड़ों पे पैर छू लो, प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो, रिस्पेक्ट कर लो, वो आए तो खड़े हो जाओ, वो जाए तो बैठो, मन ही मन भले कुछ भी करो, दिस इज नॉट विनय। ये एक सिर्फ औपचारिक विनय है। लेकिन विनय शब्द को अगर समझें, थोड़ी सी उसकी भी बात कर ले कि विनय, और ये जो वी उपसर्ग लगा है, प्रीफिक्स जो वी है, इसका एक अर्थ होता है बिना। तो जो बिना नए का है वो विनय है। और नए का मतलब होता है नीति, अपनी कोई नीति होना, अपनी कोई राय होना, अपनी कोई मान्यता होना, मेरी अपनी कोई राय है, मेरा अपना कोई स्टैंड है, मेरा अपना कोई अपेक्षा है, मेरी अपनी कोई शर्तें हैं, मेरे अपने दांव पेच है, मेरे अपने आटे हैं, मेरे अपनी सोच है। ये जब तक है तब तक नए है, तब तक आप अविनय हो, विनय नहीं हुए, बिना नए के नहीं हुए। और बिना नए के जब होता है इंसान तो उसके भीतर से ज्ञान प्रकटित होता है। ऐसे के लिए विनयी शिष्य के लिए ये उत्तराध्यन सूत्र का अंतिम जो 48वीं गाथा है वो कहती है सपूज्य सत्थे सुविनीय संशय, यानी जो विनय को उपलब्ध हो जाता है वो पूज्य हो जाता है। जो बिना नए का हो जाएगा, जो पूर्णतया समर्पित हो जाएगा, पूर्णतया अपनी कोई, मेरी कोई मान्यता नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, आप अगर विनयी होगे, अब लोग कहेंगे कि ऐसे तो क्या, फिर हम अपना कोई स्टैंड पॉइंट हमारा होगा ही नहीं क्या, हम अपनी कोई ओपिनियन रखेंगे ही नहीं क्या। सवाल पूछना बड़ा आसान है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सच में जीवन में अगर कहीं पर भी प्रोग्रेस है, अगर कहीं पर भी कोई क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, तो वो तभी होगी जब आप बिना किसी नए के होगे, बिना अपनी कोई अपेक्षा के, बिना अपनी कोई धारणा के। ये मान्यताएं, ये धारणाएं, ये मेरी सोच, ये मेरे उसूल, ये मेरा कहना, ये मेरी बात, ये सब चीजें जब नहीं रहती है ना, तभी इंसान के भीतर से वास्तविक ज्ञान प्रकटित होता है। अविनयी है तब तक हम समय के टिक टिक को नहीं सुन पाएंगे कि ये समय क्या कहना चाह रहा है, इस समय की क्या नीड है। ये समय बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर समाहित है, लेकिन हम तो प्रेजेंट मोमेंट में होते ही नहीं, क्योंकि हम तो अपनी ही मान्यताओं के साथ जीते हैं, हमें तो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि विनय में समाधान छुपा है। विनय व्यक्ति समय को देख पाएगा, वो पहले से प्रेजुडाइज नहीं होगा, उसके अपने कोई प्री नोशंस नहीं होंगे, कोई एजम्पशंस नहीं होगी, किसी के बारे में कोई मान्यता नहीं। और जब आप पहले से पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होगे, पूर्व धारणाएं मान्यताएं आपके ऊपर आरोपित नहीं होगी, आपकी आंखें उन मान्यताओं से पेंटेड नहीं होगी, तभी आप उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को, उस समय को समझ पाओगे। वो व्यक्ति या वो स्थिति अपने आप अपना ज्ञान आपको कराएगी, ये समय में ये किया जाए, तब वो जो स्पंटेनियस आपके भीतर का ज्ञान निकलेगा, उस अनुसार जो आप आचरण करोगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये है विनयी व्यक्ति का आचरण। वो
आप अपने लाइफ की किसी भी फील्ड में इस चीज को अपना कर देख लीजिए। आप अपनी तरफ से कोई assumptions तो छोड़ो, अपनी कोई मान्यताएं छोड़ो, prejudiced अपना जो माइंड है उसको छोड़ो, और तब देखो आपको वो वर्तमान का ज्ञान मिलेगा। विनयी व्यक्ति ही वर्तमान को देख पाएगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट हो पाएगा, मोमेंट को जी पाएगा, समय को समझ पाएगा, और तब उसके भीतर का जो क्रिएशन होगा वही सृजनात्मक होगा। बाकी हम सब लोग तो विध्वंस ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहने को हम लोग पैसे कमा लेंगे, सफलता, सो कॉल्ड सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन जो स्थायी सफलता है, पैसा पाना अलग चीज है, लेकिन स्थायी समृद्धि होना वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो अविनयी व्यक्ति जिद में अपने आप सेल्फ मेड बन करके पैसा कमा लेगा, लेकिन फिर भी शांति, समृद्धि और सच्ची सफलता को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो अगर अविनयी है तो विनयी है तो निश्चित रूप से हम समय को पहचान पाएंगे, वर्तमान में जागृत चेता होकर के जी पाएंगे, अपने भीतर का क्रिएशन हो पाएगा, हमारे भीतर से ज्ञान प्रकटेगा। तो इसीलिए यह विनय हमें पूजनीयता तक ले जाएगा, हमें भी योग्य बनाएगा, अर्हा बनाएगा। तो ऐसे बिना किसी नए के ज्ञान को हम पाए, हम भी बिना नए के हो जाएं, कोई आटेबाजी नहीं, कोई अपना दांव पेच नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई मान्यता नहीं, पूर्ण समर्पण भाव से इस अस्तित्व के साथ जिए, और तभी हम विनयवान होकर के इस जीवन में बहुत आगे तक प्रोग्रेस कर पाएंगे, चाहे वो भौतिक जगत का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो। लेकिन ये विनय का ज्ञान हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप में छुपाए हुए है, हम इसको समझें। और बाकी अगर विनय नहीं कर पाए, विनय को नहीं अपने जीवन में जगा पाए, तो फिर जैसी आज तक जिंदगी चल रही है, समस्याओं का पिंड है, प्रश्नों का पिंड है, ये प्रश्न वो प्रश्न, ये समस्या वो प्रॉब्लम, ये तकलीफ, ऐसे ही अगर चलते चले जाना है तो निर्णय हर व्यक्ति का अपना स्वयं का है। बाकी अगर विनय को जागृत कर लिया तो निश्चित रूप से हम भी अर्हा हो पाए, और यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि हमारे भीतर ये विनय का ज्ञान प्रकटे, हम भी बिना किसी नए के हो जाएं, परम विनयवान हो जाएं। जय हो, जय हो, जय।